हेलो फ्रेंड, माय चैनल सिटी एंड ट्रेन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केदारनाथ की, जो कि केदारनाथ चोरी बारी हिमनद के कुंड से निकली मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ स्थित है। और यह मानना जाता है कि इसका निर्माण जो है पांडवों द्वारा या उनके वंशक द्वारा करवाया गया था। और यह जो केदारनाथ में मंदिर है, यह भव्य मंदिर है और यह भगवान शिव का मंदिर है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो और जो आपको मैं यह भी जानकारी देता हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं। सोमनाथ जो कि गुजरात में आता है, नागेश्वर यह भी गुजरात में आता है, और तीसरा है भीमाशंकर जो कि महाराष्ट्र पुणे में आता है, और यज्ञेश्वर यह महाराष्ट्र नासिक में आता है, और घृणेश्वर यह औरंगाबाद में आता है, यह भी सब महाराष्ट्र जिले के अंदर ही हैं, और वेदनाथ मंदिर यह झारखंड में आता है, और महाकालेश्वर जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आता है, और ओंग जो महाकालेश्वर है यह क्षिप्रा नदी के तट पर मंदिर बना हुआ है। दूसरा है 8वें नंबर पे हम बात करेंगे ओंकारेश्वर की, जो कि खंडवा में आता है और जहाँ नर्मदा नदी के समीप स्थित है। यह काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में आता है। केदारनाथ, केदारनाथ की हम बात करेंगे तो केदारनाथ उत्तराखंड में आता है। और 11वें नंबर पे है रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में आता है। और 12वें नंबर पे हम बात करेंगे मल्लिका अर्जुन मंदिर की, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। तो यह मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग बताए हैं, और इसमें से 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे फेमस ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ का मंदिर का, जो कि मंदाकिनी नदी के समीप है और काफ़ी भव्य मंदिर है, जहाँ की 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ज़्यादा मान्यता केदारनाथ मंदिर की ही है। तो कभी भी आप जाएं तो केदारनाथ के दर्शन जरूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।